मैं हूं नरेंद्र दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी एक्सप्रेस न्यूज। आइए डाल लेते हैं आज दिन भर की तमाम खबरों पर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला का ये स्कूल जो कि जदयू नेता अमिताभ दत्त का है, इस स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाए जाने का फरमान जारी किया गया, जिसके बाद स्कूली छात्रों में इस फरमान को लेकर खासा नाराजगी देखी जा रही है। यही कारण है कि तकरीबन 100 से अधिक बच्चे सड़क पर उतर चुके हैं और ये बच्चे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि मामले में अन्य जदयू नेता भी छात्रों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के बाद बच्चों की नाराजगी कम हुई। देखिए, भारत जैसा भारत जो है, इस हमारी जो संस्कृति है भारत की, माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही भाव के साथ लोग करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि माँ सरस्वती के पूजा का विरोध करते हैं तो नास्तिक है, वो बिल्कुल नास्तिक है, उनका भी विरोध होना चाहिए। आखिर माँ सरस्वती की पूजा क्यों? क्योंकि जब हमको स्कूल के अंदर, जब हम प्रथम जाते हैं स्कूल के अंदर, तो हमको सरस्वती वंदना से शुरू किया जाता है, और ऐसा अगर है तो सरस्वती पूजा का जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। आपके ही जदयू के नेता हैं, आपके ही पार्टी के जदयू के नेता, उनका स्कूल में ही बंद करवा दिया गया, क्या बात है? मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य हो, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी आस्था माँ सरस्वती के साथ है। क्योंकि माँ सरस्वती आज बताइए, तमाम कोर्ट के अंदर, जुडिशरी के कोर्ट के अंदर तमाम जो है, जो कि माँ सरस्वती का अगर विरोध करते हैं तो उनका मतलब वही बताएंगे, लेकिन माँ सरस्वती की पूजा होनी चाहिए और भारत जैसे देश में धूमधाम के साथ माँ सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। जो हमारे इष्ट हैं और उस इष्ट को मानना चाहिए। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, अपने किसी को अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा को रोके जाने पर जो छात्र हैं वो आंदोलन पर उतर गए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो जेडीयू के यहाँ के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगा गया कि वो सरस्वती पूजा नहीं होने दे रहे हैं, इसको लेकर के जो यहाँ के छात्र हैं उनमें काफ़ी नाराजगी है, और इसी को लेकर के रोड पर उन्होंने हंगामा मचाया है। हंगामा के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिला का जो शिक्षा विभाग है उसके हस्तक्षेप के बाद में जाकर के बच्चे शांत हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति को लेकर के ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कोलकाता से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट।